हेलो गाइस, आई एम प्रवीण फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि आप पासिंग मार्क्स कैसे गेन करें। कोई बच्चा है, उसकी तबीयत खराब हो गई और लास्ट टाइम आ गया एग्जाम का, या किसी वजह से कोई जॉब कर रहा है और वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया और अब टाइम नजदीक है पेपर्स का, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते हैं याद नहीं रहता, तो उन सब चीजों के लिए मैं कंबाइंड स्पीच लाया हूँ आपके लिए, आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप क्या कीजिए कि आपका जैसे वन मंथ रह गया पेपर से पहले, आपने क्या करना है, आपने 5 ईयर्स के पेपर, अपने प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए। उन 5 ईयर्स के पेपर्स के अंदर आपने करना क्या है कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 ईयर में जो आपके आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको लिख लीजिए सभी क्वेश्चंस को। पर उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चे, इकट्ठे लेते हैं 5 साल के पेपर और इकट्ठे सारे के सारे क्वेश्चंस को उतार लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन भाई 2-2 नंबर के उतार लिए, 5-5 के उतार लिए, 10-10 के उतार लिए, 1-1 के उतार लिए, और इकट्ठा ही उनको कि भाई एक ही बार में 2 के आंसर तैयार करके उनको रटना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, उस टाइम तो याद रहा पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनको सारा कुछ भूल जाता है। वजह क्या है कि आप तैयारी जो कर रहे हैं वो आपका पैटर्न ठीक है पर डायरेक्शन ठीक नहीं है। आपको करना कैसे है, आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करे हैं उसमें से फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अलग निकाल लीजिए। जैसे आप बात करते हैं 9th की बात करें तो फोर्थ चैप्टर है, तो फोर्थ के क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के अलग कर दीजिए। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा की, डिप्लोमा में चले जाते हैं हम जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें सबसे पहला चैप्टर पड़ता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, उसमें से सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेन के अलग निकाल लीजिए और फिर उनकी प्रिपरेशन कीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं, उसी का ही आप न्यूमेरिकल भी तैयार कर रहे हो, उसी का भी डेरिवेशन तैयार कर रहे हो और उसी की ही थ्योरी तैयार कर रहे हो। सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चंस को तैयार करना चालू करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगी कि आपको पता लगेगा स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेन है क्या। जैसे 9th की बात करो, डिप्लोमा आप इधर कीजिए और आप करते 9th की बात, 9th में जैसे फोर्स है क्या, वेलोसिटी है क्या, एक्सीलरेशन है क्या, उसके बाद आप 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आओगे कि भाई अब उसका डेरिवेशन, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल, और वही आप 5 और 10 मार्क्स में जाओगे। उससे क्या है, आप स्टेप वाइज स्टेप आपकी पढ़ाई की है, पर आपने किसकी की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, कैसे स्टेप वाइज स्टेप। आप नीचे से जाओगे ऊपर तो सारी चीज आपके दिमाग में आएगी, आप डायरेक्ट सीधा ऊपर पहुंचने की कोशिश करोगे उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा, बट बाद में आपको समझ नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, आपको 7 डेज लगेंगे। आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर उसके क्वेश्चन आपने अलग कर लीजिए, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अलग किए, उनकी प्रिपरेशन की 1 दिन, अगले दिन उनको रिवाइज किया, तो आपको अच्छा याद होगा और लंबे समय तक वो चीज याद रहेगी क्योंकि आपने बेस से उठाया चीजों को। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और विद इन 7 डेज आप अपना क्या कर सकते हैं, इतना मटेरियल तैयार कर सकते हैं आप, इजिली पास हो सकते हैं। आप समझिए कि आपको 1.5 या 2 दिन चाहिए एक चैप्टर को तैयार करने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, 1.5 से 2 दिन के हिसाब से आप देखोगे आपके 3.5-4 चैप्टर हो जाएंगे, आपका 70-80 मार्क्स का पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप जो सारा एकदम मटेरियल तैयार करते हो 100 नंबर के लिए, उसकी वजह आप 70-80 का तैयार कीजिए, क्योंकि 70-80 में आपके 35-40-50-60 नंबर आसानी से आ सकते हैं, या आपकी फिर आगे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगला जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें और अलग तरीके से कि भाई 9th का बच्चा है तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी है, 10th का उसको कैसे करनी है, 11th का, 12th का, डिप्लोमा का, बीटेक का, उसमें सारा मैं अलग अलग लाऊंगा सबके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोस में। मोटिवेशनल स्पीच जो मैं आगे लाऊंगा सब अलग अलग लाऊंगा, और अभी ये है सबके लिए कंबाइंड है कि अभी से आपने प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से करनी है। थैंक यू वेरी मच।